हमारे जीवन में सुख आता है तो हम सब भूल जाते हैं, यहाँ तक हम भगवान को भी भूल जाते हैं, अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं, जिससे हमें सब कुछ मिला हम उसे ही भूल जाते हैं। और जैसे ही दुख का पार हमारे जीवन में आया, फिर उसी के वापस लौट करके आ जाते हैं। फिर भगवान से इतनी शिकायत करते हैं कि भगवान कहता है, भले आदमी, यदि तू मुझे सुख में याद करता तो आज ये नौबती ना आती कि तू मेरी आंखों के सामने आकर के ये अश्रु बहाए। तभी तो हमारे संत लोग कहते हैं ना, हमारे संतों ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानियो जक राम नाम धन हो। क्या आपने कभी संतों को दुखी देखा है? क्यों माता जी, क्यों भाई हो, आपने संतों को कभी दुखी देखा है? नहीं देखा है ना? क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनके पास में राम नाम का धन है, और जिस क्षेत्र में जिस स्थान पर वो बैठ जाएं तो उसी धन की वो वर्षा करते हैं। एक भजन आता है ना, राम नाम के हीरे मोती। संत लोग जो हैं राम नाम के हीरों को लुटाते हैं, और जो अपनी झोली पसार लेगा वो हीरे उसकी गोद में आ जाएंगे, और जिसने झोली नहीं पसारी उसकी झोली में एक भी हीरा नहीं आएगा। और हीरे की कोई कीमत नहीं होती, हम हर चीज की कीमत लगा सकते हैं, लेकिन एक राम नाम ऐसा धन है, एक राम नाम धन हीरा एक ऐसा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। आजकल हम संतों का सम्मान नहीं करते, और संतों का सम्मान हमारे घर से या हमारे मन से जब से गया है, तब से ही हमारे जीवन में संकट आने शुरू हो गए। पहले समय में क्या होता था, संत जहां भी बैठ जाते थे तो कथा शुरू हो जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज संतों को घर घर जाकर के लोगों को एकत्रित करना पड़ता है, संतों को घर जा जाकर के बताना पड़ता है कि भाई मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ या भागवत कथा करने जा रहा हूँ, तब आप आकर के खड़े होते हो। नहीं तो पहले जैसे पता चल जाता था कि संतों की मंडली आई है तो लोग जो है दौड़ पड़ते थे, क्योंकि संतों के दर्शन आसानी से नहीं होते, बड़े भाग्य से होते हैं, और जिसे संतों के दर्शन हो जाएं उसका तो बेड़ा पार है, उसे फिर किसी की नाव पकड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि संत वो हैं जो हमें भगवान के बारे में बताते हैं, हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता जो बताता है, जो हमें सत्य मार्ग पर चलने का मार्ग बताता है, वो संत हैं। लेकिन आज उन्हीं संतों का हम सम्मान नहीं करते। लेकिन आपके इस क्षेत्र में आकर के पता चला तो आप लोगों के हृदय में संतों के लिए बहुत सम्मान है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही संतों का सम्मान करते जाइए, और अपने क्षेत्र में और अपने गांव में और ऐसे ही शुभ कार्य करते रहिए। बोली राधे राधे। देखो माता जी, एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक कथा चले बीच बीच में राधे राधे जरूर बोलना, क्योंकि ये आपके लिए ही है, आपके फायदे के लिए, हमारे लिए नहीं है। इसका भी एक कारण है, जो हम बीच बीच में जयकारे लगवाते हैं जैसे भजन कीर्तन होता है, तो इसका भी एक मूल कारण बताया गया है। जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण की पत्नी जो निद्रा देवी थी ना, तो कुंभ
कर्ण का वध कर दिया था और जिसके पति का वध हो जाए वो तो क्रोधित होगी। तो वो राम जी के पास में आई तो राम जी से आकर के बोली कि प्रभु मैंने सुना है कि आपका जो भी नाम लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। तो भगवान श्री राम ने कहा, देवी आपने कोई गलत नहीं सुना, बिल्कुल सही है। एक बार भी कोई मेरा नाम ले ले वो नरक में जाने का अधिकारी नहीं, वो तो सीधा स्वर्ग में चला जाता है। तो निद्रा देवी बोली मैं उसमें विविधान डालूंगी। तो भगवान प्रभु बोले कि कैसे डालोगी? बोले आपकी जो कथा करने वाले जो वक्ता हैं, जो व्यास जी हैं, जो कथा सुनाएंगे, श्रोता सुनने के लिए आएंगे, तो मैं सबके सिर पर जा करके बैठ जाऊंगा। ना कथा वो सुनेंगे, ना उनके कानों में आपका नाम पड़ेगा, ना वो स्वर्ग जाए। तो भगवान राम जो हैं इस बात को सुन करके हंसने लगे। बोले देवी जैसे तुम चालाक बन रही हो ना, वैसे ही मेरे भक्त भी तुमसे ज्यादा चालाक हैं। बोले कैसे? कि जब तुम सिर पर जाकर के बैठ जाओगी तो मेरे भी यजमान जो हैं, भक्त जो हैं, बीच में जय श्री राम जोर से जयकारा लगवा दिया करेंगे और जैसे जयकारा लगेगा तो उनकी नींद खुल जाएगी। बोली राधे राधे, तो नींद खुलेगी तो फिर तो उनके कानों में आवाज जाएगी। तो इसलिए जब तक कथा चले तो बीच बीच में राधे राधे जरूर बोलना और जोर से बोलना है, जैसे महाराज जी के कानों तक भी आवाज पहुंच जाए, क्योंकि महाराज जी भी कान लगा करके सुनते हैं। कहते हैं महाराज जी की दृष्टि जो है हम सब पर रहती है, तो इसलिए जोर जोर से जयकारा लगाया करो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ही गोविंद की कथाएं जो है, भगवान की कथा आपके कानों में ऐसे ही पड़ती रहे और आपके क्षेत्र में जो यज्ञ हो रहा है वो इतने भव्य से हो और इतने उत्साह से करो कि आपका जो क्षेत्र है वो देखता ही रह जाए वहां कि कैसा यज्ञ किया, कैसा भगवान का उत्सव मनाया।